इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में मानो कोई त्योहार आ गया हो और मेला लगा हुआ है, किसी को कोई परवाह नहीं है। लॉकडाउन सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए मुमरा की जनता सब्जियों की खरीदारी कर रही है। मुमरा रेलवे स्टेशन, जीवन बाग और मुमरा मार्केट जिसे मनपा ने बंद करा दिया था, इतनी बड़ी संख्या में घरों से निकलकर खरीदारी करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इन्हें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमा होना, आखिर ये किसकी लापरवाही है? ऐसे में अगर भीड़ के जरिए मुमरा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुमरा में किस तरह से सोशल डिस्टेंस यानी कि सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है, हम आज आपको मुमरा में लगने वाली सब्जी मार्केट की तस्वीरें दिखाते हैं। किस तरह से सब्जी मार्केट में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। मुमरा में सब्जी मार्केट को लेकर कई बार उथल पुथल हो चुकी है। मनपा के अधिकारी मनीष जोशी सब्जी मार्केट को लेकर कई बार फरमान जारी कर चुके हैं कि लोग सामाजिक दूरी बनाकर खरीदारी करें, मगर अब नया फरमान मार्केट लगाने को लेकर मनीष जोशी ने एक बार फिर जारी किया था। मनीष जोशी के नए फरमान के मुताबिक हफ्ते में 3 दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को 12 बजे से 4 बजे तक मार्केट लगेगी ताकि भीड़ ना हो और लोग सोशल डिस्टेंस बनाकर खरीदारी करें। लेकिन इस मार्केट की अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ना ही लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, बल्कि हजारों की तादाद में इन मार्केट में भीड़ इकट्ठा हो रही है। मनपा ने जिन जगहों पर सब्जी मार्केट लगाने को कहा वहां की हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सबसे पहले आपको मुमरा रेलवे स्टेशन के पास के मनपा ने जो सब्जी मार्केट लगवाई है उसका नज़ारा हम आपको दिखाते हैं कि लॉकडाउन और सामाजिक दूरियों की पोल खोलती हुई ये सब्जी मार्केट में हजारों की भीड़, क्या यही नियम का पालन हो रहा है? इस मार्केट में मनपा का कोई भी अधिकारी नजर नहीं आया है। अब इसी तरह से मनपा की एक और नाकामी की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये मुमरा मार्केट की तस्वीर है जो मार्केट मनपा ने बंद करवा दी थी कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक यहाँ मार्केट नहीं लगेगी। मगर ये मुमरा मार्केट की तस्वीरें आप देखें कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। अगर एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति इस मार्केट में आया तो अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कितने लोग मुमरा में कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं। इसी तरह से मुमरा के जीवन बाग की तस्वीरें हम दिखाते हैं, यहाँ का भी नज़ारा कुछ कम नहीं है। बिना कोरोना के भय के लोग मुमरा के जीवन बाग में और मुमरा रेलवे स्टेशन के पास सब्जी मार्केट और मुमरा मार्केट में सब्जियों की खरीदारी करते हुए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ऐसे में अगर इसी तरह से मार्केट में भीड़ होती रही तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या शासन प्रशासन या फिर खुद जनता होगी? वहीं लोगों ने भी मार्केट के समय सीमा को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। लोगों ने कहा है कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो समय दिया गया है वो भी हफ्ते में 3 दिन, इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। हालांकि लोगों ने कैमरे पे बोलने से मना कर दिया। मनपा के अधिकारी मार्केट को लेकर सही समय सीमा निर्धारित करें कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा ना हो। अगर इसी तरह से चलता रहा ये सब्जी मार्केट और लोगों की भीड़ इकट्ठा होती रही तो मुमरा में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।